नमस्कार, मैं विदेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरुण ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। चंबा पुलिस ने 16 घंटों में पकड़ा दुष्कर्म का आरोपी। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पुलिस को चकमा देकर फरार हुए दुष्कर्म के आरोपी को 16 घंटे के भीतर ही पकड़ लिया गया। बीते बुधवार को ऊना पुलिस आरोपी को चंबा कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। लौटते समय चंबा बस स्टैंड में पुलिस को चकमा देकर आरोपी भाग निकला। ऊना पुलिस ने उसकी तलाश की लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद चंबा थाने में शिकायत दी गई। थाना प्रभारी शकीनी कपूर ने दुष्कर्म के आरोपी की तलाश के लिए 4 टीमों का गठन किया। इन टीमों ने उसकी तलाश में रात भर जगह जगह दबिश दी लेकिन सफलता नहीं मिली। थाना प्रभारी खुद भी काफी सक्रिय दिखे। गुरुवार सुबह 7:30 बजे थाना प्रभारी शकीनी कपूर बाइक पर चंबा कैया मार्ग पर आरोपी की तलाश में निकले। हरदासपुरा के पास आरोपी उन्हें सड़क किनारे जाता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर उसने भागने का प्रयास किया लेकिन उसे पकड़ लिया गया। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार ने बताया कि दुष्कर्म के अपराधी को चंबा पुलिस ने 16 घंटे के भीतर पकड़ लिया। मौसम। हिमाचल में छठे दिन भी झमाझम बरसे बादल। NH 305 पांच घंटे रहा बंद। प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को लगातार छठे दिन भी बारिश का दौर जारी रहा। बारिश से हुए भूस्खलन के चलते ओंट बंजार सेंज हाईवे 305 करीब 5 घंटे बंद रहा। दोनों तरफ से सरकारी बसों के साथ निजी वाहनों की कतार लगी रही। ब्यास सहित नदी नालों का जलस्तर उफान पर है। वहीं भारतीय मौसम विभाग IMD और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 25 और 26 जुलाई को प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। 25 जुलाई तक प्रदेश में येलो अलर्ट और 26 जुलाई को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 28 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। चंद्रताल में मनाली निवासी डूबा। स्पीति में कर्नाटक के पर्यटक की मौत। जनजातीय जिले लाहौल स्पीति की चंद्रताल झील में नहाते समय एक व्यक्ति डूब गया। प्रशासन ने झील से शव निकालने के लिए रेस्क्यू टीम रवाना कर दी। उधर स्पीति के ही काजा में कर्नाटक के पर्यटक की अज्ञात कारणों से मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक स्पीति उपमंडल के अंतर्गत समुद्र तल से 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चंद्रताल झील में नहाने उतरा मनाली के गाँव जगसुख का रोहित ठाकुर 40 वर्षीय पुत्र लोतराम डूब गया। सेना भर्ती वल्लभ कॉलेज मंडी में 25 जुलाई को होगी लिखित परीक्षा। उम्मीदवार इन बातों का रखे ध्यान। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में मार्च महीने में हुई सेना भर्ती में सफल रहे युवाओं की लिखित परीक्षा वल्लभ कॉलेज मंडी में 25 जुलाई को होगी। मंडी कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के युवकों से एडमिट कार्ड 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ पहुंचने के लिए कहा गया है। सेना भर्ती निदेशक मंडी कर्नल M. राजन ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अभी तक नहीं लिए वे मंडी स्थित कार्यालय से इन्हें जल्द प्राप्त कर लें। 10 वर्षों तक अंशकालिक कार्यकाल पूरा करने वाले पंचायत चौकीदार बनेंगे दैनिक वेतन भोगी। हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 10 वर्षों तक बतौर अंशकालिक कार्यकाल पूरा करने वाले याचिकाकर्ताओं पंचायत चौकीदारों को नियत तिथि से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों में परिवर्तित करने के आदेश जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने इस बाबत राज्य सरकार को 8 सप्ताह का समय दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता अपने सेवाओं को नियत तिथि से अंशकालिक से दैनिक वेतनभोगी में बदलने के कारण किसी भी वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होंगे। शिमला बीएड में प्रवेश के लिए अब 29 तक करें ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 में बीएड में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 29 जुलाई तक बढ़ा दिया है। बीएड प्रवेश परीक्षा में 21 अगस्त को होगी। 9 अगस्त तक परीक्षार्थी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। तय शेड्यूल के मुताबिक 31 अगस्त परिणाम घोषित करने की और 8 सितंबर मेरिट लिस्ट जारी करने की तिथि तय की गई है। HPU में CM जयराम के सामने SFI ने किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 52वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सामने SFI कार्यकर्ताओं ने समरहिल चौक पर करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन और नारेबाजी की। कड़े पुलिस पहरे के बीच कार्यकर्ताओं ने चौक से लेकर परिसर की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर खड़े होकर मांगों को लेकर पोस्टर हाथ में लेकर नारेबाजी की। SFI ने कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार को पद से हटाने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने सेवा विस्तार देने का भी विरोध किया। छात्र संगठन ने कहा कि अयोग्य VC नहीं चलेगा। विश्वविद्यालय में अयोग्य RSS के लोगों की शिक्षकों के पदों पर भर्ती करने का भी विरोध करते हुए इसकी जाँच और इस तरह की भर्ती पर रोक लगाने की मांग की। SFI कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव को बहाल करने, निष्कासित छात्र नेताओं को निष्कासित रद्द करने, कोरोना काल में फीस माफ करने, रुकी छात्रवृत्ति को बहाल करने जैसी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। सुबह 9 से 10 बजे मुख्यमंत्री के काफिले के आने तक प्रदर्शन जारी रखा।
सुजानपुर में फंदे से झूली विवाहिता, पुलिस ने केस दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। थाना सुजानपुर के अंतर्गत एक पंचायत में विवाहिता ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना की सूचना मिलते ही सुजानपुर में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। SI मदनलाल ने जिला पुलिस अधीक्षक के हवाले से बताया कि 39 वर्षीय विवाहिता ने अपने घर में बुधवार देर रात शाम फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका अपने पीछे दो बच्चे पति को छोड़ गई है। मौत के क्या कारण है इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही चलेगा। उधर मौके पर पुलिस को आत्महत्या संबंधी कोई भी दस्तावेज नहीं मिले हैं। सचिवालय समेत 3 विभागों में भरे जाएंगे 111 पद, जाने हिमाचल कैबिनेट के बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने लोगों की सुविधा के लिए कुल्लू जिले के निरमंड और शिमला जिले के जूबल और कोटखाई में 3 उपमंडल कार्यालय सिविल खोलने का निर्णय लिया। इसके अलावा लोगों की सुविधा के लिए पांवटा साहिब के विकास खंड का पुनर्गठन करके सिरमौर जिले के तिरलोरधार में नया विकास खंड खोलने की भी मंजूरी दे दी गई। मंडी जिले के सुंदरनगर एवं बला विकास खंडों का पुनर्गठन कर शेगली में नया विकास खंड धनोटू खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT के 100 पदों को भरने की मंजूरी दी। यह पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। बैठक में शिमला जिले की कोटखाई तहसील के कलबोग में नई उप तहसील बनाने का भी निर्णय लिया गया। हिमाचल कैबिनेट 26 जुलाई से कोचिंग संस्थान 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए 2 अगस्त से खुलेंगे स्कूल। हिमाचल प्रदेश में 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने का कैबिनेट में फैसला लिया गया। 2 अगस्त से इन कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। स्कूलों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए SOP का पालन करना होगा। कोचिंग संस्थान 26 जुलाई से खुलेंगे। 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थी परामर्श के लिए 2 अगस्त से स्कूलों में आ सकते हैं। इनके लिए हाजिरी की अनिवार्यता नहीं होगी। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर अनुसंधान के लिए 2 अगस्त से आ सकेंगे। वहीं गौरतलब है कि हरियाणा ने बीते दिनों 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोल दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 11वीं और 12वीं के स्कूलों को 26 जुलाई से खोलने का ऐलान किया है। गुजरात में 12वीं कक्षा के स्कूल 15 जुलाई से खुल गए हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब ने भी स्कूल खोलने का फैसला लिया है। इसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए इस दिन से करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं के कंपार्टमेंट डिप्लोमा होल्डर सहित अतिरिक्त विषय अंग्रेजी और किसी विषय के प्रदर्शन में सुधार इम्प्रूवमेंट के लिए परीक्षाएं अगस्त और सितंबर में लेगा। शिक्षा बोर्ड की ओर से निर्धारित और राज्य सरकार से अनुमोदित नीति के अनुसार घोषित परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट विद्यार्थी भी परीक्षाएं दे सकते हैं। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि परीक्षा देने के इच्छुक परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ 26 जुलाई से ऑनलाइन संबंधित विद्यालय के माध्यम से भेज सकते हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा में कंपार्टमेंट और अंग्रेजी विषय के लिए ₹550 शुल्क के साथ आवेदन होगा। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।